दुख इस बात का है कि पिछले क्वार्टर में जो ONGC कॉरपोरेशन है उसको लगभग 600 गुना मुनाफा हुआ है। 600 गुना मुनाफा कॉरपोरेशन को, किसकी जेब काटी जा रही है? गरीब और किसान की जेब काट के अमीरों की तिजोरी भर रही है सरकार। डीजल पेट्रोल की कीमतें कितनी बढ़ गई, वो याद रखें, जिस समय डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ती है हर जरूरत की चीज की कीमत बढ़ जाती है। इस सरकार ने महंगाई बढ़ाई है, और महंगाई नहीं बढ़ाई है, जो भारत में इन्वेस्टमेंट आना था, जो उत्तर प्रदेश में लगातार सरकार प्रयास कर रही थी कि यहां पर निवेश आएगा, कितना निवेश आया? बेरोजगारी बढ़ गई, नौकरियां छिन गई, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया था जिसके तहत हक और सम्मान मिलना था, आज वो हक और सम्मान नहीं मिल रहा है। सरकारी संस्थाएं जब बिक जाएंगी, सरकारी जो संस्थाएं जब बिक जाएंगे तो नौकरियां कहां होंगी, कहां हमें मिलेगा हक? इसलिए सरकार ने न केवल उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया है, किसानों को कुचलाए, महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है, और 4.5 साल के कार्यकाल में शिलान्यास किया है, उद्घाटन का उद्घाटन किया है, रंग बदलने का काम किया है, नाम बदलने का काम किया है, जमीन पर विकास नहीं है। और जो भी समाजवादी सरकार के काम थे उन कामों को अभी भी उद्घाटन कर रहे हैं। याद कीजिए, अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी संख्या में आए थे, ये इसी कुशीनगर को दुनिया में पहचान दिलाने के लिए, यहां पर टूरिज्म बढ़ जाए, यहां का व्यापार बढ़ जाए, इसको दुनिया से जोड़ने का काम अगर किसी ने किया था तो समाजवादियों ने किया था। वो एयरपोर्ट समाजवादी सरकार की देन है, कुशीनगर और आसपास के लोगों के लिए सुविधा और टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। आज ही के बाद उत्तर प्रदेश की एक बड़ी परियोजना का भी उद्घाटन होने जा रहा है, वो भी समाजवादियों की देन है, केवल नाम बदल दिया, ठेकेदार बदल दिए। सोचो, वो ठेकेदार हटा दिया, उनका ठेका छीन लिया, जो देश के सबसे अच्छी कंपनियां मानी जाती हैं। जब सरदार पटेल जी की प्रतिमा बननी थी तो उस कंपनी को याद किया गया, जिस समय भगवान श्री राम का मंदिर बनना है उस कंपनी को याद किया। लेकिन कमाल के बाबा मुख्यमंत्री हैं कि जब पूर्वांचल को जोड़ने के लिए, पूर्वांचल की खुशहाली के लिए, पूर्वांचल की तरक्की के लिए जो एक्सप्रेसवे बन रहा था उन कंपनियों को हटाने का काम किया, जो बड़े बड़े काम कर सकते हैं गुणवत्ता के साथ उनको छीन लिया गया। क्या जवाब है सरकार के पास? जो काम 5 साल पहले समाजवादियों ने कर दिया, सड़क पर हवाई जहाज उतार दिए, लड़ाकू विमान उतार दिए, सोचो 5 साल पीछे चल रहे हैं। हमें कहने को तो वो पिछड़ा कहें, बैकवर्ड कहें, कुछ भी कहें, लेकिन हमारी सोच फॉरवर्ड है, हम बैकवर्ड होकर के भी हम प्रोग्रेसिव हैं, फॉरवर्ड लुकिंग हैं। वहीं वो अगड़े होने के बाद भी बैकवर्ड हैं, पिछड़े हैं, सोच से पिछड़े हैं, काम में पिछड़े हैं। इसलिए परिवर्तन होना तय है, परिवर्तन होके रहेगा। बदलाव के लिए किसानों ने ठाना है, बेरोजगारों ने ठाना है, व्यापारियों ने ठाना है। कोई सोच सकता है कि व्यापारी आए कारोबार के लिए, काम के लिए, पुलिस जाकर के उसकी जान ले ले, FIR नहीं लिखने दे रहे, अधिकारी धमका रहे कि FIR लिखोगे आप? और केवल एक घटना नहीं है, उत्तर प्रदेश में इस तरह की न जाने कितनी घटनाएं हुई हैं, जहां निर्दोषों की जान ले ली गई। कासगंज में वो नौजवान, कोई कल्पना कर सकता है कि जो नल है उससे अपनी हुडी के तार से जान चली जाए उसकी? ये कहां की कहानी पुलिस बना रही है? क्या आपने नहीं देखा गोरखपुर में DM SP धमका रहे थे उसके परिवार को कि FIR ना लिखें? आज कस्टोडियल डेथ में, आज कस्टोडियल डेथ में सबसे आगे है उत्तर प्रदेश, और वो इसलिए क्योंकि ठोको राज चल रहा है। ठोको राज में पता ही नहीं है कौन किसको ठोक दे। अभी फरुखाबाद में, फतेहगढ़ में जेल में कैदियों ने जेलर और डिप्टी जेलर का सर, क्या हाथरस की याद दिलाए? क्या आगरा में वाल्मीकि समाज का महर्षि वाल्मीकि जयंती के दिन जान ले ली हो पुलिस ने? आज पुलिस को जरूरत है
कि सेंसिटिव पुलिस हो और स्मार्ट पुलिसिंग हो, दुनिया जिस पे काम कर रही है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी, बाबा मुख्यमंत्री जी, क्योंकि उन्हें लैपटॉप चलाना तो आता नहीं है, तो दुनिया की क्या समझ रखेंगे वो, जब दुनिया सेंसिटिव पुलिसिंग के काम कर रही है और स्मार्ट पुलिसिंग पे काम कर रही है। समाजवादी लोगों को काम मिलेगा, मौका मिलेगा तो हम जनता को भरोसा दिलाते हैं। जिस तरीके से 100 नंबर एक बेहतरीन रिस्पॉन्स सिस्टम दिया है, उसी तरीके से कैसे स्मार्ट पुलिसिंग हो, सेंसिटिव पुलिसिंग हो, जनता का सम्मान पुलिस करे और जनता भी पुलिस का सम्मान करे, ऐसी पुलिस के एक बनाने का काम समाजवादियों का आने वाले समय में होगा। ऐसे नहीं कि ठोको राज, ठोक दो। अगर मुख्यमंत्री जी की भाषा के शब्दों का हिसाब किताब लगाओगे तो सोचोगे एएनआई से बेहतर कौन बता सकता है, एएनआई से बेहतर कौन बता सकता है उनकी भाषा क्या है। इसलिए सुना है कि अभी बड़ी जैम की बात करके गए हैं बीजेपी के लोग, जैम। उन्हें पता होना चाहिए भारत में सबसे ज्यादा बीमारी डायबिटीज की है, सबसे ज्यादा बीमारी अगर भारत में नंबर एक पे है तो वो डायबिटीज है, और डायबिटीज जिसको हो जाए समझ लो सब बीमारी हो जाएंगी उसको। उनका जैम का फुल फॉर्म पता नहीं क्या था, हालांकि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया तुकबंदी, क्योंकि आजमगढ़ में कोई काम तो किया नहीं था इन्होंने, आजमगढ़ का विकास छीना। और मैं आपसे कह के जा रहा हूं, एग्रीकल्चर और जानवरों को लेकर के एक विश्वविद्यालय बन रहा था, एनिमल को लेकर के एक संस्था जो आजमगढ़ में बननी थी, हमारे बाबा मुख्यमंत्री गोरखपुर में छीन के ले आए। एक संस्था जो आजमगढ़ में बननी थी वो बाबा मुख्यमंत्री जी छीन करके ले आए हैं, और अब जब शिलान्यास हो रहा है यूनिवर्सिटी का, तो हम तो आप पत्रकार साथियों से कहेंगे कि लखनऊ में देखा ये सबसे बड़े नेता हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके नाम पे यूनिवर्सिटी बननी थी, मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसका प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया। बताओ कार्यकाल खत्म हो गया है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से मेडिकल यूनिवर्सिटी बननी थी, वो मेडिकल यूनिवर्सिटी आज चल रही है, सोचो कहां चल रही होगी। अगर समाजवादियों ने, नेताजी और हम लोगों ने यूनिवर्सिटी न बनाई होती या मेडिकल कॉलेज न बनाया होता, तो सोचो किसी टीन शेड में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की यूनिवर्सिटी चल रही होती। वो तो शुक्र है कि समाजवादियों ने बेहतरीन एक मेडिकल कॉलेज बनाया, उसके 9th फ्लोर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी चल रही है। सोचो अगर समाजवादियों ने न बनाया होता तो कहीं टीन शेड में यूनिवर्सिटी चला रहे होते। आजमगढ़ में जब जाने का समय है, जाते जाते यूनिवर्सिटी दे रहे हैं, हम तो उनसे कहेंगे कि अब बजट तो नहीं स्वीकृत कर पाओगे, क्योंकि बिना बजट के क्या यूनिवर्सिटी का शिलान्यास होगा। अगर बजट ही बता दें कि आजमगढ़ में जो यूनिवर्सिटी दी है उसका बजट कितना देके जा रहे हैं, और क्या दिल्ली से भी कोई बजट मिलेगा। जो लोग चंद्रशेखर जी, जो पूर्व प्रधानमंत्री जी थे, उनकी यूनिवर्सिटी बननी थी, उसका बजट छीन लें, उसका बजट छीन लिया, बजट खा गए। तो जब यूनिवर्सिटी बना रहे हैं तो बजट कहां है। और फिर जो जैम की परिभाषा दे गए, आज हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश का जानता है कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठ को नहीं बोल सकता, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठ को नहीं बोल सकता। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है 14, 17, 19, इतना अहंकार है, आदमी को आदमी नहीं समझते। और अगर आपको समझना हो तो मुख्यमंत्री जी का रिमाइंड कर करके वो देख लीजिए, टीवी पे इंटरव्यू दिया था। इसलिए उनके जैम का मतलब कुछ भी हो, लेकिन समाजवादियों ने जो जैम का मीनिंग निकाला है, भारतीय जनता पार्टी जे फॉर झूठ, भारतीय जनता पार्टी का जे फॉर झूठ, ए फॉर अहंकार और एम फॉर महंगाई, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती। भारतीय जनता पार्टी को अपने जैम का जवाब देना है कि झूठ बोलना बंद करोगे कि नहीं करोगे, अहंकार खत्म करोगे कि नहीं करोगे, और महंगाई खत्म करोगे कि नहीं करोगे। डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया है, 100 रुपए से ऊपर पहुंच गया है पेट्रोल। ये भारतीय जनता पार्टी रही
तो हो सकता है 150 रुपए भी पहुंचा दे, क्योंकि अभी चुनाव है इसलिए नहीं बढ़ा रहे हैं, थोड़ा कम कर रहे हैं। और ये हमारे गरीबों को खाना केवल चुनाव तक लिए दे रहे हैं, पहले नवंबर तक था, अब उन्होंने कहा मार्च तक देंगे, दिवाली से होली तक देंगे। और हम समाजवादी लोग गरीबों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम दिवाली से होली तक हम समाजवादी लोग सत्ता में आएंगे तो गरीबों के लिए खाना, चाहे हमें होली से दिवाली, दिवाली से होली, होली से दिवाली देना पड़े, पूरे 5 साल लगातार देते रहेंगे। और गरीब मदद करेगा तो अगले 10 साल तक इसी तरह गरीबों को खाना मदद करने का काम करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपने झूठ का, अपने अहंकार का, अपनी महंगाई का जवाब देना चाहिए। इधर उधर के जैम मत ढूंढिए, और जैम अकेला अच्छा भी नहीं लगता है। आप सब लोगों सुबह नाश्ता किया होगा? नहीं नहीं नहीं, असली बात नहीं जानते, बिना बटर के तो आप भी नहीं चलोगे। ये हमारे बीजेपी वाले जानते ही नहीं है कि डायबिटीज में जैम नहीं खाया जाता है, और बिना बटर के तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए बटर की मीनिंग भी आपको अगली बार बताएंगे, अभी फिलहाल वो जान लें कि बटर आ रहा है उनके लिए, उन्होंने जैम भेजा है तो हम बटर भेज रहे हैं उनके लिए। और केवल यही नहीं, गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो पाया है, और कहीं भी धान की आप पता कर लीजिए, धान की कीमत कहीं नहीं मिल रही। ये भारतीय जनता पार्टी बताएं कहां से खरीद रहे हैं धान और किस रुपए में खरीद रहे हैं, कहीं धान खरीदा नहीं जा रहा है, और धान खरीदा भी जा रहा है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। गन्ने का अभी भी बकाया है, मैं मुजफ्फरनगर से लेकर के आपके जिले तक आया हूँ, कुशीनगर में गौरव, अभी पूरा किसानों का गन्ने का पैसा बकाया है। जरूरत इस बात की है कि सही पढ़ाई हो, एम्प्लॉयमेंट मिले, और सही वक्त पे नौजवानों की एनर्जी यूज हो। तो आज हमारे सामने सवाल है एम्प्लॉयमेंट का, सवाल है एनर्जी का उनके, और सवाल यह है कि आज जिस परिस्थितियों में रह रहे हैं उससे कैसा एम्प्लॉयमेंट हो, यूथ के सामने एजुकेशन कैसी हो, उनकी एनर्जी सही इस्तेमाल हो जाए, और एजुकेशन कैसी हो, ये सवाल है। इन सवालों का तो जवाब ढूंढ ही नहीं रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग, और फिर पूरे कारखाने बेचे जा रहे हैं, एयरपोर्ट उन्हें दिखाई दिया तो एयरपोर्ट बेच देंगे, कभी कोई सामान आप लेने जाते हो तो पहले देखने जाते हो आप। ये जो बीजेपी वाले आए थे सब, ये एयरपोर्ट बेचने आए थे, पहले जगह का मुआयना कर रहे थे, देख रहे थे कैसी जगह है, ये भी बेच देंगे। ट्रेन बेच रहे हैं, ट्रेन जहां खड़ी होती है वो स्टेशन बेच रहे हैं, पानी के जहाज बेच रहे हैं, पानी का जहाज जहां खड़ा होता है वो पोर्ट बेच रहे हैं। ये बेचने वाली सरकार है, अभी तक तो लोग कहते थे फेकू सरकार है, लेकिन सही मायने में ये बेची सरकार भी निकली। फिलहाल उनका पेट भर जाए, मेहनत कैसे करेंगे? अगर उनसे मेहनत करानी है, उनका जीवन जिए, तो हम बीजेपी से जानना चाहते हैं कि आपने पहले नवंबर तक दिया, क्योंकि यूपी में चुनाव आ गया तो मार्च तक दे रहे हैं आप। और याद कीजिए, समाजवादियों ने जब गरीबों को दिया था तो उस समय समाजवादी पैकेट में क्या क्या नहीं दिया था। आज जरूरत है कि गरीब का सरसों का तेल सस्ता हो, गरीब सरसों का तेल खाता है, बताओ सरसों का तेल कहां पहुंच गया है? जो सरसों पैदा करता किसान उसको कीमत नहीं दे रहे हैं, और जो सरसों का तेल जब आ रहा तो उसका मुनाफा किसको दे रहे हैं? आप बताइए सरसों का तेल क्या कीमत है? जो गरीब का तेल है वो भी महंगा कर दिया सरकार ने। और याद कीजिए, वो मंत्री कह रहे थे बीजेपी के कि महंगा इसलिए है कि सरसों के तेल में मिलावट नहीं हो पा रही है। बताओ, बीजेपी के लोग मिलावट करके सस्ता करते हैं, और इसका मुनाफा सोचिए किसके पास है? जो लोग पानी का जहाज जहां खड़ा होता है पोर्ट खरीद रहे हैं, एयरपोर्ट खरीद रहे हैं, वो भी तेल बेच रहे हैं। बताओ, उनसे कहो भाई तेल तो छोड़ दो। जिस पार्टी ने पहले खत्म की उसको हटाइए आप। आप बताइए किस पार्टी ने हटाई है पेंशन? अरे हम जानते नहीं ना, आप बताओ ना। देखिए तो बीजेपी को हटाइए, फिर हमसे सुविधा लीजिए। अखिलेश जी, बहुत सारे शहरों के नाम बताइए जिसमें
देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी कमाल के हैं। जब से मैंने उनसे कहा कि जो बिजली का उत्पादन आपको बढ़ाना चाहिए, और आप तो घर के लोग हैं, कुशीनगर के हमारे पत्रकार साथी हैं, हम तो कई बार कह चुके हैं कि उन्हें कम से कम बिजली बनाने वाले प्लांटों का नाम तो लेना चाहिए कि उन्होंने कौन सा प्लांट लगाया है। अभी तक उनके मुंह से हम सुन नहीं पाए 3x660 सुपरक्रिटिकल थर्मल प्लांट, आज तक नहीं सुन पाए। और सुनने में ये आ रहा है कि आजकल वो अकेले में प्रैक्टिस कर रहे हैं कि 3x660 सुपरक्रिटिकल थर्मल प्लांट कब बोलना पड़ जाए। तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी आजकल अकेले में प्रैक्टिस कर रहे हैं 3x660 सुपरक्रिटिकल थर्मल प्लांट। और हम तो कह रहे हैं कि जो काम अपना बना रहे हो, एक्सप्रेसवे का जो अपना बना रहे हो, कम से कम ये तो प्रैक्टिस कर लो कि कितनी लंबाई का है, वो भी अकेले में प्रैक्टिस कर लो, नहीं तो कहीं भूल गए तो बड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए नाम बदलने वाली सरकार, रंग बदलने वाली सरकार, जनता इसको बदलने जा रही है। और इस बार किसान ने, नौजवान ने, व्यापारी ने तय किया है, बदलाव होना निश्चित है। तो बेच देगी तो क्या है, फिर किराया ही देना पड़ेगा हमें और आपको। इसलिए सरकार हटाइए। अरे भाई आप भी तो हमारी चाचा की उम्र के लग रहे हो। सभी छोटे दल और क्षेत्रीय दलों को साथ लाएंगे। देखिए आदरणीय आजम खान साहब के ऊपर झूठे मुकदमे लगे हैं, जितने भी मुकदमे उनके ऊपर झूठे हैं। वो तो एक आ नहीं पाया, यहां पर एक पेंटर है कुशीनगर के लोग जानते होंगे, हालांकि बंबई वाली घटना तो बहुत प्रचार हुई, यहां भी एक गरीब आदमी पर पुलिस ने उसी तरह की धारा लगा दी थी। भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, अगर आपने सच दिखा दिया तो हो सकता है आपको भी जेल भेज दें। ये जितने भी अन्याय हो रहा है आजम खान साहब के ऊपर, अगर कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और जानबूझ करके आप भी समझते हो, हम भी समझते हो कि ये चुनाव करीब आ गया है, कोई इन्वेस्टमेंट तो आया नहीं, कारखाना लगा नहीं। यहां पर प्रधानमंत्री खुद कह गए थे बीजेपी वाले कि पटरौना का चीनी मिल चल जाएगा, ये जानते होंगे, राधेश्याम सिंह जी बैठे हो, कितनी बार कह गए कि चल जाएगा, सस्ती हो जाएंगी चीजें, महंगी है, महंगाई को कम कर देंगे। कितने दिन में महंगाई कम होनी थी वो याद भूल गए आप? कहा कि डॉलर बढ़ता जा रहा है, रुपया नीचे जा रहा है। आज उन्हीं से पूछो जो डॉलर की कीमत बताते थे, आज डॉलर कहां पहुंच गया है, डॉलर कहां पर है और रुपया आपका कहां है? उन्हीं से पूछिए जो कह रहे थे कि हवाई चप्पल वाले लोग हवाई जहाज में चलेंगे, आज आप मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, डीजल पेट्रोल इसलिए महंगा कर रहे हैं कि आप मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि समाजवादियों ने पूर्वांचल के लिए और खासकर गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, अमेठी, बाराबंकी, इन जिलों को लखनऊ राजधानी से जोड़ा। और मुझे याद है जिस समय आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था, उस समय बड़े बड़े लड़ाकू विमानों को उतारा गया था, बाद में सबसे भारी वाहन जो है हरकुलस भी उस सड़क पर उतर करके उतरा था। ये डिजाइन जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की है वो समाजवादी सरकार में हुई डिजाइन। मुझे याद है कि इसका शिलान्यास विधानसभा के सामने हुआ, लैंड एक्विजिशन का काम हुआ, इसको बेहतरीन एक्सप्रेसवे बना दें, उस दिशा में समाजवादी सरकार में टेंडर भी हो गया। LOI इसलिए इश्यू नहीं कर पाए क्योंकि उस समय चुनाव घोषित हो गया था। ये सरकार आई, उसके मानक को नीचे किया, जो एक्सप्रेसवेज हैं उनका इंडियन रोड कांग्रेस के माध्यम से मीडियन 12 मीटर से लेकर के 14 मीटर होना चाहिए,
उसका मीडियम खत्म कर दिया, जो उसकी हाइट थी वो हाइट गिरा दी, वे साइड एमिनिटीज नहीं बनाई, सर्विस लेन नहीं बनी, लाइटिंग का कोई इंतजाम नहीं है, खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है, और ऐसे ही उद्घाटन करने जा रहे हैं। समाजवादियों का काम भी आज उद्घाटन कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा ये 5 साल पीछे चल रहे हैं हमसे। समाजवादियों ने कब हवाई जहाज उतार दिए थे? 5 साल हो गए हैं उस हवाई जहाज उतारे हुए, ये आज उतार रहे हैं। सोचिए, समाजवादियों के काम की नकल। इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई प्रोग्रेसिव थॉट नहीं है। और बाबा मुख्यमंत्री तो कैसे हैं वो आपसे बेहतर कौन जानेगा, उनसे मिलने जाओगे तो हो सकता है साबुन से आपको नहलाएं पहले। अगर आप ऐसे ही चले गए बिना नहाए तो हो सकता है आपको साबुन दें पहले, शैम्पू दें, टूथब्रश दें, और तब जाकर के आप मिल सकते हैं उनसे। कि ये अपमान नहीं है क्या? बताओ, यहां के गरीबों को इसलिए कि गरीबों में बदबू आ रही है, और हम लोगों ने परफ्यूम क्या लॉन्च कर दिया, उनको समझ में नहीं आ रहा है कुछ। हमारे जीतने वाली महिलाओं को टिकट दिया जाएगा, कांग्रेस हारने वालों को दे रही है। इसमें दोनों, क्योंकि इसका उद्घाटन बड़ी जोर शोर से हो रहा है, तो इंडियन रोड कांग्रेस ये कहती है कि मीडियन इतने होना चाहिए, तो आप उसकी सेफ्टी से खिलवाड़ कर रहे हैं। आपने पूरा हाईवे उसकी सेफ्टी के हिसाब से नहीं बना, क्योंकि ये हाईवे आने वाले समय में 120, 140 लोग 160 भी चलेंगे, और अगर उस स्पीड से चलेंगी गाड़ियां तो उसकी सेफ्टी का क्या सवाल है? तो जिस सेफ्टी के साथ जिस पैरामीटर से बननी चाहिए तो वो नहीं बने। प्लस हम तो ये कहते हैं कि उस कंपनी को ठेका मिला था जो भगवान श्री राम का मंदिर बना रही है, उस कंपनी को काम करना था इस सड़क पे जिसने सरदार पटेल जी की प्रतिमा बनाई, आखिर उस कंपनी को क्यों हटा दिया बाबा मुख्यमंत्री जी ने? वो कौन सा कारण था? अगर हम ये कारण नहीं समझ पा रहे हैं तो सरकार बताए कौन सा कारण है। एक तो आप उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी से खिलवाड़ कर रहे हैं, अनफिनिश्ड एक्सप्रेसवे है, कभी हम पे आरोप लगाते थे कि हमने आधा अधूरा बना हुआ उद्घाटन कर दिया, आज आप कौन सा एक्सप्रेसवे उद्घाटन करने जा रहे हैं? देखिए, राजनीति में तो मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के क्या फल मिलेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद आप प्रेस के साथियों को। किसान को खुशहाल करेंगे, और किसान के लिए वो स्थान बनने चाहिए जहां पर उसके सही कीमत मिल जाए, समय पर गन्ने का भुगतान हो। आज धान की कोई पूछ नहीं रहा, धान की कीमत सही मिले, महंगाई पे नियंत्रण लगे। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने एक सिद्धांत दिया था, पुराने समाजवादी लोग जानते होंगे, महंगाई को रोकने के लिए दाम बांधों से बेहतर कोई योजना नहीं हो सकती है। उस दिशा में काम होना चाहिए, समाजवादियों को मौका मिलेगा तो उस दिशा में काम करेंगे। मैंने कहा कि इस देश के और इस प्रदेश के खासकर नौजवान इंतजार कर रहे हैं नौकरी रोजगार कैसे मिलेगा, जिन्होंने बहुत भरोसा कर करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया। आपके बीच ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आए होंगे, उनसे पूछिए कि नौकरी और रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं आप? जो डॉलर की बात करते थे वो डॉलर कहाँ पहुंच गया? आपकी अर्थव्यवस्था कहाँ है? हमारा पोलराइजेशन इसलिए रुकेगा कि समाजवादियों का अभी मैनिफेस्टो आना है, महिलाओं के लिए सुविधा आनी है। और जैसा मैंने आपसे कहा, अरे हमसे तो इतने सवाल भी पूछे ले रहे हो, कभी बाबा मुख्यमंत्री से ही कहलवाना 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, कभी कहलवा दो, हम आपको इनाम देंगे। नहीं नहीं, सवाल नहीं पूछना है, आप उनके मुंह से कहलवा दो, सवाल नहीं पूछना है। अच्छा, तब ठीक है। हैं, कुशीनगर की जनता को मैं भरोसा दिलाता हूं कि इस क्षेत्र का विकास होगा, और यहाँ के किसान गरीबों की मदद करने के लिए, राहत देने के लिए उम्मीद से ज्यादा काम करेंगे। बिना गुटबाजी के पार्टी को पॉलिटिक्स चलती नहीं है।
है? और आपके यहां भी तो गुटबाजी है, इतने चैनल है, कितनी कंपटीशन है? अगर अच्छी खबर दिखाओगे तो सब देखेंगे आपकी। एक गोरखपुर वालों पीछे खड़े हो जाओ, आगे पीछे ए आइए, डक्कू हैं सुनिए, पीछे आइए, जल्दी आओ जल्दी आओ। किससे ये इस बार जनता का चुनाव है, जनता का चुनाव, जनता चुनाव लड़ रही, जनता का चुनाव है। आप खड़े हो जाइए वहीं। एक पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, बुलाओ जल्दी बुलाओ। और ठीक है, बस ठीक है। क्या नाम है, कहाँ है, जल्दी बुलाओ, नहीं पूछ रहे। और ये संजय चौहान जी हमारे साथ, डॉक्टर संजय चौहान, इनको बधाई, इनका दल लगातार समाजवादी पार्टी के साथ है। और अभी हाल में ही लोकसभा का चुनाव चंदौली से लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी न की होती तो ये आज लोकसभा में होते, भारी बेईमानी हुई वहां पर, स्याही पैसे ही लगा दी गई उंगली पर, वोट को खराब कर दिया गया। मुझे खुशी है कि संजय चौहान जी के साथ उनके समाज का बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी को समर्थन मिल रहा है। और यही लोग हैं सात ओमकार राजभर जी, महान दल, ये वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद कर देंगे इस बार।